गाजा में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की एक हमले में मौत हो गई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने दुख जताया और भारत से माफी मांगी। यही नहीं, घटना की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक पैनल का भी गठन किया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले युद्धग्रस्त रफा में यूएन की गाड़ी में सफर कर रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर पीछे से हमला हुआ, जिसमें 40 साल के वैभव की मौत हो गई। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़े पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी की मौत का मामला है। तो आपको बता दें, वैभव अनिल काले ने साल 2022 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और फिलहाल वो संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक के मुताबिक, जिस गाड़ी में वैभव अनिल काले सफर कर रहे थे, उस पर टैंक से हमला किया गया और रफा में अभी टैंक सिर्फ इजरायली सेना के पास ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इजरायली सेना के हमले में ही भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव की मौत हुई। वैभव अनिल काले भारतीय सेना में 11 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की कमान संभाल चुके हैं और वो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही थाने स्थित उनके घर पर मातम पसर गया, जबकि थाने स्थित उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी माहौल गमगीन हो गया। वैभव अनिल काले की चाची मुग्धा अशोक काले की आंखों से आंसू छलकने लगे और वो मोबाइल फोन पर अपने भतीजे की तस्वीरों को निहारते हुए पुराने दिनों को याद करती नजर आई। खबर आई तभी तो धक्का लगा, बहुत बड़ा हादसा लगा, विश्वास ही नहीं कर सकते। अभी भी नहीं लगता है, उन्होंने चेहरा बराबर देखा नहीं है। वैभव ही है, वैभव जिंदा है, वैभव गया नहीं है। वहीं वैभव के चचेरे भाई ने बताया कि वो बतौर इंसान जितने शांत थे, वर्दी पहनते ही वो उतने ही सख्त हो जाते थे। मतलब यूनिफॉर्म में एकदम, यूनिफॉर्म के वैभव, कर्नल वैभव काले, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी उनसे कुछ सवाल पूछने के। लेकिन वही वैभव भैया जब फैमिली में आते थे तो सबसे एकदम प्यार से, कभी उनको ऐसा कभी आप दिखेंगे कि नहीं, वो टेंशन में बैठे। वैभव अनिल काले का लगभग पूरा परिवार सेना में है। उनके भाई विशाल काले भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं, जबकि उनके चचेरे भाई अमय काले भी सेना में कर्नल हैं। यही नहीं, वैभव काले ने पठानकोट एयरबेस पर 2016 में हुए आतंकवादी हमले को रोकने में भी अहम भूमिका निभाई थी। जी न्यूज़।